आपको एक बड़ी खबर से अवगत करा देते हैं और बड़ी खबर आ रही है एक छात्र की हत्या को लेकर के। जी हां, रेवाड़ी में एक छात्र की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। होटल संचालक ने पिता को भी पीटा, बीड़ी को लेकर हुआ विवाद शुरू। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। रेवाड़ी शहर में होटल संचालक के चाचा और कारिंदों ने मिलकर 19 साल के एक छात्र की हत्या कर दी। वहीं उसके पिता को भी बुरी तरह पीटा, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। विवाद बीड़ी लेने के दौरान शुरू हुआ। सूचना के बाद सेक्टर 3 चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बड़ा तालाब निवासी नरेंद्र सैनी काफी सालों से नई अनाज मंडी के गेट के सामने रोटी सब्जी की रेड़ी लगाता है। मंडी में सरसों की खरीद शुरू होने के कारण किसानों की भीड़ देख गुरुवार देर रात तक उसने अपनी रेड़ी खोली रखी। रेड़ी पर उसका 19 साल का बेटा दिव्यांशु भी था। 12वीं कक्षा के पेपर देने के बाद वह अपने पिता की रेड़ी पर काम करवाता था। नरेंद्र सैनी क्या मामला था ये रात को? मामला कुछ भी नहीं था, खाली कंपटीशन का मामला था और कुछ भी नहीं था। उनका होटल नहीं चल रहा था, किराए पे लेकर उन्हें होटल कर रखा है और मैं फिलहाल बीड़ी लेकर अंदर गया, उन्होंने मेरे को अटैक कर दिया। पहले उनने कर रखा था, चार पाँच जाने चपड़े गए लेबर का, तो क्या नाम करूँ जी। कौन लोग थे? तीन तो लेबर थी। नाम क्या था? लेबर का तो नाम नहीं मेरा जी, और एक तो उसका चाचा था जिसने होटल कर रखा था आजाद का चाचा, और दूसरा उसने कोई बंदा बुला रखा था। मेरा बंदा कहाँ पास कौन था उसका गांव का था कहाँ, किसी ने अटैक करा, लड़के छुड़वाने आए, मैं बाहर गया, बाहर जाके मैंने की लकड़ी लुकड़ी लेके आऊँ, अंदर आए इतनी देर में 2 मिनट का काम में छोरे लंबा कर दिया, उन्हें खत्म कर दी। नरेंद्र ने बताया कि रात करीब 1 बजे वह अपनी रेड़ी के पीछे ही खुले होटल पर बीड़ी का बंडल लेने के लिए गया था। इसी दौरान होटल चलाने वाले एक शख्स ने उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसी बीच उसका बेटा दिव्यांशु वहां पहुंच गया, जिस पर आरोपियों ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। नरेंद्र का आरोप है कि उसे शक है कि उसके बेटे के गुप्तांगों पर आरोपियों ने गहरी चोट मारी है, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। रात में ही सेक्टर 3 चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दिव्यांशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवा दिया है। आज उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक के पिता का कहना है कि 2 दिन पहले नगर परिषद के कर्मचारी होटल संचालक द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर उसे चेतावनी देने पहुंचे थे। आरोपियों को शक था कि उन्होंने नगर परिषद को सूचना दी है, जबकि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, और इसी शक के आधार पर उसके बेटे पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतक के पिता का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। अब ये नहीं, मेरा चोट भी नहीं आई, आंड पे लात मारी क्या मारी है कुछ भी नहीं, मेरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस में रिपोर्ट कर दी आप। आगे पुलिस पुलिस आज ही रात में आई, बंदा अरेस्ट कर लिया, दूसरा अभी है नहीं अरेस्ट, दूसरा साथ का तो अरेस्ट नहीं है। पहली वो जेल जा चुका है 420 केस में, गाड़ी को डकैती में सजा काट का था, रंड बंद है।